अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजी। क्लासिफिकेशन से पहले सिंपल दो सिम्बायोटिक फंजीज हैं उनको हम देखेंगे, एक है लाइकेंस, दूसरी है माइकारजा। लाइकेंस को अगर हम देखें तो ये सिंपल फंजीज हैं और ये फंजीज दूसरे स्पेशीज के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती हैं। सिम्बायोटिक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें दोनों पार्टनर बेनिफिट हासिल करते हैं। और हम अगर इन लाइकेंस को देखें तो ये उन एरिया में पाई जाती हैं जहाँ पे बेयर ऑफ रॉक्स होती हैं। रॉक्स मीन्स पथरीली ज़मीन जहाँ पे होती है वहाँ पे ये लाइकेंस जो हैं वो अल्जी के साथ एसोसिएशन बना के रहती हैं। अलगल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ लाइकेंस के हाइफा के अंदर, और ये अल्जी को प्रोटेक्शन भी दे रही है और ये अल्जी जो खाने को खाना बना रही है वो खाना ये भी हासिल करिए। तो दोनों पार्टनर जो हैं एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। और अगर हम देखें को रॉक्स जो हैं, रॉक्स पे ये रहती हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई नाद पड़ी हुई है पानी से भरी हुई है तो उसके ऊपर आउटर सरफेस पे आपने देखा होगा ग्रीन कलर का एक तह बन जाता है, लेयर बनता है। ये एसोसिएशन है सिम्बायोटिक अल्जी एंड काइटिन फंजीज की। और इस लेयर में आपको ये काइटिन्स मिलेंगे और लाइकेंस मिलेंगे। लाइकेंस जो हैं फंगस का टाइप है, इसी फंगस के हाइफा के अंदर ये अल्जी रहते हैं। अल्जी ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो माशी प्लेसेस पे रहना पसंद करते हैं और वो डिकम्पोज करते हैं। ये लाइकेंस क्या करती हैं, रॉक्स जो हैं रॉक्स को एक एसिड रिलीज़ करती हैं। एसिड जो है रॉक्स को डीनेचर करता है और डीनेचर की वजह से उनसे डीमिनरलाइजेशन हो जाती है, मिनरल्स आ जाते हैं। मिनरल्स अल्जी मिनरल्स को डिकम्पोज करके कन्वर्ट करती है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, और ऑर्गेनिक मैटर वो खुद अल्जी भी यूज़ कर रही है और फंजी को भी फ़ायदा मिल रहा है। तो ये दोनों जो है अल्जी एंड लाइकेंस फंजी जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के पार्टनरशिप बना के रहते हैं और दोनों जो हैं वो अपने एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। तो ये लाइकेंस जो हैं वो कलर शेप में नज़र आते हैं क्योंकि इनके अंदर अल्जी जो है वो प्रेजेंट होती है जिसका कलर ग्रीन होता है, जिसके बेस पे ये सारी एसोसिएशन जो है सिम्बायोटिक जो है वो ग्रीन कलर नज़र आती है। और ये इम्पॉर्टेंट से बायो इंडिकेटर्स भी कहलाते हैं क्योंकि ये एयर पोल्यूशन से का इंडिकेशन दे रहे हैं। और उसके बाद माइकारजा, माइकारजा को अगर हम देखें तो ये ऐसी फंजीज हैं जो लेग्यूम फैमिली के प्लांट्स, लेग्यूम फैमिली के वो प्लांट्स हैं जिनके सीड इनक्लोज्ड होते हैं पॉड के अंदर, मीन्स फली के अंदर। जैसे अकेशा है, किकर जिसको कहते हैं, या प्रास्पस ग्लैंडुलोसा है, देवी है जो आपने देखी होगी हमारे एरिया में कॉमन है, और दाल हैं, चने हैं लेग्यूम फैमिली का, मस्टर्ड है। तो इनके जो रूट्स होती हैं उन रूट्स के अंदर ये इंटर हो के बिल्कुल जाल बना लेती हैं। ये आप पिक्स में देख रहे हैं कि ये पाइनस की रूट है विदाउट माइकारजा और ये रूट है विथ माइकारजा सेकंड नंबर पे। तो इसके अंदर देखो कि माइकारजा इंटर हो गए हैं और ये माइकारजा क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन जो है ऑर्गेनिक मैटर कम्प्लेक्स फार्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स के अंदर, और नाइट्रेट्स जो हैं वो प्लांट्स इजीली हासिल कर रहे हैं। तो प्लांट्स को ये नाइट्रेट्स मुहैया कर रही है और प्लांट्स जो है नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करके फूड जो बना रहे हैं वो फूड रूट्स को सप्लाई कर रही हैं। तो उन फ्लोएम के थ्रू जो फूड सप्लाई हो रहा है वो फूड इसको भी मिल रहा है माइकारजा को। तो ये लेग्यूम फैमिली के रूट्स के अंदर रहती हैं और ये एंडोमाइकारजा भी होता है और एक्टोमाइकारजा भी कहलाता है। एंडोमाइकारजा वो माइकारजा है जो हाइफा जो है इसका पेंट्रेट होता है आउटर सेल ऑफ द प्लांट रूट, और प्लांट रूट के आउटर सेल्स के अंदर ये इंटर होता है। क्वाइस
बन जाता है, स्वेलिंग एंड माइन्यूट ब्रांचेस बना लेता है एंड आल्सो एक्सटेंड आउट इनटू सराउंडिंग सराउंडिंग में एक्सटेंड हो जाता है। तो ये जो है वो जो सेल्स होते हैं रूट्स के उनके अंदर नहीं होता और टिश्यू लेवल तक होता है, तो ये एक्टोमाइकोजा कहलाता है। अगर फेस के अंदर एंटर होके अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है तो वो एंडो एक्टोमाइकोजा को अगर हम देखें तो हाइफा जो है सराउंडेड होता है एक्सटेंड बिटवीन द सेल्स बट डू नॉट पेंट्रेट इन द सेल वॉल ऑफ द रूट, मीन्स सेल्स वॉल्स के रूट्स के अंदर ये पेंटेड नहीं होता, बाहर होता है, राउंडेड होता है। और ये जो है वो पाइंट्स फर्श के अंदर होता है और माइसिलियम एक्सटेंड फॉर आउट इनटू द सोइल इन बोथ काइंड्स ऑफ माइकर्जा। तो एंडोमाइकर्जा ऐसा माइकर्जा है जो सेल वॉल जो है रूट्स के सेल्स की उनके अंदर पेंट्रेट होता है, इनके स्टोरिया जो फूड न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, एक्टोमाइक्रोजा जो है वो बाहर की तरफ होता है। तो ये दो टाइप्स हैं फंजीज की जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रही हैं। एक है लाइकेंस जो अल्जी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है और दूसरा ग्रुप जो है वो है माइकर्जा का। माइको मीन्स फंजी, तो माइकर्जा एक्टोमाइकर्जा भी होते हैं जो आउटसाइड ऑफ सेल्स रूट्स के होते हैं और दूसरे एंडोमाइकर्जा होते हैं जो इनसाइड के अंदर पेंट्रेट होते हैं। तो ये पिक्स अगर आप देखें तो ये पिक्स के अंदर देखो ये माइकर्जा अंदर की तरफ फंगल हाइफा जो है इंट्रोड्यूस हुआ है सेल के अंदर, प्लांट्स रूट के सेल के अंदर, और इस तरह से ये देखो रूट्स के अंदर ही आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एंडोमाइकर्जा है। और बाहर अगर दिखाई दे रहा है तो वो एक्टोमाइकर्जा कहलाता है। तो दो टाइप के माइकर्जा हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहे हैं, किसके साथ, लाइकन अल्जी के साथ बना रही है सिम्बायोटिक रिलेशन, दोनों पार्टनर बेनिफिटेड विथ ईच अदर है, मीन्स म्यूचुअलिज्म है विथ ईच अदर। एंड माइकर्जा जो है लेग्यूम फैमिली के प्लांट्स के रूट्स के अंदर रह के अपना भी फ़ायदा हासिल कर रही है, न्यूट्रिशन हासिल कर रही है और प्लांट्स को भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करके नाइट्रेट फार्मिंग दे रही है, तो प्लांट्स को भी फ़ायदा दे रही है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है माइकर्जा का लेग्यूम फैमिली के प्लांट्स के साथ, और ये एक्टो भी हैं और एंडो भी हैं। तो आज हमने सिंपल फंजीज सिम्बायोटिक फंजीज पढ़ी हैं, कल इंशाल्लाह चार क्लासेस जो हैं ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा एंड डेटेरोमाइकोटा को डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा लाइफ साइकिल उनका पढ़ेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो फंजी की गई है अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस मुख्तलिफ टाइप की होती हैं फंजीज के अंदर, एसेक्सुअल भी होती है, सेक्सुअल भी होती है। एसेक्सुअल कुछ फंजीज के अंदर कोनिडियल फार्मेशन के थ्रू होती है, कुछ के अंदर स्पोरुलेशन प्रोसेस से होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ के अंदर प्लाज्मोगेमी के थ्रू होती है, कुछ के अंदर कैरियोगेमी के थ्रू होती है, कुछ के अंदर मेटिंग के थ्रू होती है। तो ये सारे प्रोसेस हम पढ़ेंगे फंजीज के अंदर, कल से स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजी। ओके, बाय।